हम हैं आपके बीच News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस बुलंद आबाद जुर्म के खिलाफ हर शहर की खबर देखिए सिर्फ News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते खास खबरों की ओर। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक और सूबे की सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत आज अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में थी और अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकालकर वे शुभचिंतकों और पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के आवास पर मिलने के कार्यक्रम के क्रम में सकलेनाबाद के सभासद समरेंद्र सिंह के आवास पर गईं, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और जन समस्या भी सुनी। ऐसे में क्षेत्रीय अधिवक्ताओं ने उनसे औपचारिक बातचीत के दौरान यूपी में लग रही कोर्ट फीस के बारे में बात की और सक्सेशन के मुद्दे पर ज़्यादा लग रही कोर्ट फीस को कम करने की बात कही, जिसे राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने गौर से सुना और इसे प्राथमिकता के आधार पर उठाने की बात कही। देखिए, ऐसा है ना कि आज संयोग थोड़ा अच्छा था, हमारे यहाँ के सभासद हैं श्री समरेंद्र नाथ सिंह जी, उनके आवास पे संगीता बलवंत जी से जो राज्य मंत्री भी उनसे मुलाकात हुई, औपचारिक मुलाकात ही थी, लेकिन उसमें इस बात को रखा गया कि अगर ये संभव हो तो आप इस प्रश्न को उठाइए कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय शुल्क कोर्ट फीस जो होता है सक्सेशन वगैरह में, उसकी उच्चतम सीमा एक लिमिट उसको किया जाए, 5,000 से 10,000 रुपये अधिकतम करके उसको समाप्त किया जाए। पता चलता है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता की मृत्यु के बाद अगर उसके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है लेने के लिए, अगर वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है 40 लाख 50 लाख, तो अनावश्यक 5 से 10 लाख रुपए तक का कोर्ट फीस देना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। तो अगर उच्च सीमा न्याय शुल्क की तय हो जाती तो ये सामान्य पब्लिक के लिए बड़ा ही हितकारी होता। ऐसे में मंत्री जी ने क्या बोला? मंत्री जी काफ़ी प्रभावित थी और मंत्री जी इस बात को कहें कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें आप एक इसका ब्रीफ बना करके और दे दीजिए, मैं इसको विधानसभा में निश्चित तौर पर रखूंगी और प्रश्नकाल में वहां इसको उठाऊंगी। यहाँ के विधायक, सदर विधायक और सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत जी हमारे यहाँ चाय पर आए थे। मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं थी, औपचारिक बैठक थी, मैं यहाँ मिलने के लिए आई थी। यहाँ जो समस्याएं थी यहाँ के लोगों ने बताया। हमारे घर के पड़ोस में एक मंदिर है, उस मंदिर में, मंदिर परिसर में ही दुकान बनी थी और उसमें उसके ऊपर उसने दीवार खड़ा करके टीन सेट लगाया है, उसकी शिकायत मोहल्ले के निवासियों ने की है। वो अवैध है, वह अवैध है, उसका कागज पत्र निकाल के आगे की कार्रवाई करने के लिए उनसे कहा गया, उन्होंने आश्वासन दे लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।